मेहता साहब आपको पता था ना बबीता जी का बर्थडे आज नहीं है, तो मुझे बताया क्यों नहीं? अरे क्या जेठालाल बताया क्यों नहीं, चिल्ला चिल्ला के पीछे से आवाज दे रहा था, पर तुम सुनो तब ना। बबीता का नाम आते ही तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं है नहीं है, तुम तो गोली की तरह निकल लिए। इतनी बड़ी पार्टी है, इतना अच्छा कार्ड है, ये सब देख के तो सोसाइटी वाले सारे सरप्राइज हो जाएंगे। तो फिर मैं ये सारे कार्ड देख के आती हूँ, ठीक है? अगर बबीता कार्ड बांटने गई तो वो जेठालाल को कार्ड जरूर देगी। सबको कार्ड दे दिया। सिर्फ जेठालाल को चौड़ कर, उसको मैं किसी भी कीमत पर कार्ड नहीं देगा। हाँ मचा साहब, बोलो बोलो, कैसे याद किया? अरे एक कार्ड की तारीफ करने के लिए फोन किया है, एक इनविटेशन कार्ड आया है मेरे पास। अय्यर साहब अभी अभी देके गए बबीता जी की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन कार्ड। अच्छा, मचा साहब बहुत मजा करेंगे पार्टी में। हाँ मजा भी करेंगे और डांस भी करेंगे। अच्छा डांस का भी लिखा है? अरे डांस करना पड़ेगा भाई, और वेस्टर्न कपड़े पहन के करना पड़ेगा। अय्यर ने खास लिखा है कार्ड में, वेस्टर्न कपड़े पहन के आना है, स्पेशल सूट, और वेस्टर्न ही डांस करना है। वेस्टर्न डांस? अरे इंग्लिश डांस भाई, पश्चिमी नृत्य अपना। फिर तो प्रॉब्लम होगा मेहता साहब, क्योंकि मुझे गरबा के अलावा और का डांस आता नहीं है। अरे जेठालाल अभी पार्टी में टाइम है, थोड़ा सा सीख लो दो चार स्टेप। हाँ ये आइडिया अच्छा है, बराबर बराबर। नहीं नहीं सीखना तो पड़ेगा भाई, उधर इज्जत का फालूदा नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, मैं करता हूँ कुछ सीखने का जुगाड़। चलो जेठालाल फोन रखता हूँ। ओके थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। वेस्टर्न डांस। अब बोलिए सर जी, आपको क्या सीखना है? बोलिए बोलिए। वेस्टर्न डांस। वेस्टर्न डांस क्यों? अरे क्यों क्या, बबीता जी की बर्थडे पार्टी में वेस्टर्न डांस रखा है वो लोग ने, तो मुझे आता नहीं तो सीखना तो पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा, तो बर्थडे बबीता जी का है ऐसा बोलिए ना। उनको गिफ्ट में नटू काका, वो गिफ्ट का मैं सोच लूंगा, आप रहने दो। तो मैं सिर्फ डांस का सोचता हूँ। सेठ जी आपको वेस्टर्न डांस सीखना है ना? मैं हूँ ना, आप सिखाएंगे? एक मिनट। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? सेठ जी मैं जब भी बाहर जाने लगू प्लीज आप मुझे टोका मत कीजिए, मैं हमेशा आपके भले के लिए ही जाता हूँ। आपको वेस्टर्न डांस सीखना है ना, मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अब भी आया। अय्यर कितना टाइम लग गया तुमको? बबीता पूरी सोसाइटी में कार्ड बांटने में टाइम तो लगेगा ही ना। पार्टी में सोसाइटी के सभी लोग आएंगे, कितना मजा आएगा ना। हाँ एक को छोड़कर जेठाला, क्योंकि मैंने उसको कार्ड दिया ही नहीं। तारक तुम कभी कुछ सोचते ही नहीं हो। क्या मतलब? बिना सोचे आर्टिकल लिख लेता हूँ और बिना सोचे तारक मेहता इतने फेमस लेखक बन गए। अरे बाबा आपके आर्टिकल की बात नहीं कर रही हूँ, बबीता जी के बर्थडे के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। तो इसमें क्या सोचना है अंजलि? क्या क्या सोचना है तारक? अरे उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी रखी है, वहाँ जाना है ना। जाना है तो चले जाएंगे, सोचना क्या है। अय्यर भाई ने पार्टी के लिए स्पेशल ड्रेस कोड रखा है। अरे ड्रेस कोड रख दिया तो क्या हो गया अंजलि, तुम तो ऐसे ओवर रिएक्ट कर रही हो जैसे विकासशील देशों के अंदर गरीबी की समस्या पे बात कर रही हो। अरे भाई ड्रेस कोड रखा है तो जैसे सब कपड़े पहनेंगे हम भी पहन लेंगे और चले जाएंगे। अरे पहनेंगे तब जब हम खरीदने जाएंगे ना। तो खरीद लो। हे भगवान, एक काम थोड़ी ना है, कपड़े खरीदने के साथ साथ बबीता जी को अच्छी वाली गिफ्ट भी तो देनी पड़ेगी ना। तो अंजलि इसमें मैं क्या करूँ, तुम खरीद लो ना भाई। देखो देखो ये जितने गिफ्ट खरीदने जैसे पार्टी में कैसे जाना, ये बहुत बड़े बड़े काम है, ये तुम करो। और ये जो आर्टिकल लिखने का छोटा सा काम है ना, ये प्लीज मुझे करने दो, ठीक है ना। आपको बिना कोई टेंशन नहीं है इसीलिए जाओ। हेलो हेलो कोमल भाभी। ओ हाय अंजलि भाभी, मैं अभी आपको याद कर रही थी। अच्छा आपको बबीता का बर्थडे कार्ड मिला ना? इसी सिलसिले में तो बात करने के लिए फोन किया मैंने। बहुत अच्छा कार्ड है ना,
मुझे लगता है पार्टी बहुत बड़े पैमाने पे होने वाली है। अरे इसीलिए तो हमें अच्छी तरह पार्टी की तैयारी भी तो करनी चाहिए। ऑफ कोर्स, माधवी भाभी भी यही कह रही थी। हाँ सुनो, एक काम करते हैं, हम सब अभी दया भाभी के वहाँ मिलते हैं और वहीं जाके डिस्कस करेंगे कि पार्टी में क्या करना है। हाँ आप पहुँचो, मैं भी आती हूँ। ओके पार्टी। लीजिए ना भिड़े बहन, आप भी लीजिए ना अंजलि भाभी। ताला हुआ पर डेटिंग की चिंता मत कीजिए। हे अय्यर भाई ने बबीता के लिए कितनी बड़ी बर्थडे पार्टी रखी है ना। वही तो मैं कह रही हूँ कि बबीता जी ने इतनी बड़ी पार्टी रखी है तो हमें भी बड़ी तैयारी करनी होगी ना। हाँ सच्ची, कितनी लकी है ना बबीता। वैसे अय्यर भाई भी कम लकी नहीं है। हाँ नैताम से है। सोनू के पापा को मैंने ड्रेस कोड के बारे में बताया तो बोलने लगे इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। बबीता जी ने इतनी बड़ी पार्टी रखी है तो थोड़ा हमें भी खर्चा करना चाहिए ना। हाँ करे। हाँ करना पड़ेगा तो कर लेंगे ना थोड़ा बहुत खर्चा। देखो ना मजा आएगा, अलग कपड़े, अलग जगह, अलग माहौल, बहुत मस्ती करेंगे, डांस करेंगे। लेकिन ये सब आप लोगों को कैसे पता चला? अरे क्यों दयाबेन, आपने बबीता के बर्थडे का इन्विटेशन कार्ड नहीं देखा? नहीं, कौन सा कार्ड? अरे क्यों, आपको कार्ड नहीं मिला? नहीं तो कमाल है, हम सभी को तो मिला है कार्ड। हाँ। एक मिनट, मुझे लगता है शायद वो लोग आपको कार्ड देना भूल गए हैं, या फिर हो सकता है कि शायद वो आपको पर्सनल इनविटेशन यानी एकदम खास आमंत्रण देना चाहते हो, है ना? आप हमारी स्पेशल फ्रेंड जो है, इस सोसाइटी की स्पेशल लेडी, मुझे पूरा यकीन है कि आपको इनविटेशन जरूर मिलेगा। अरे अंजलि भाभी, कार्ड नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं बिना कार्ड के पहुंच जाऊंगी। आखिर वो हमारी पुरानी सहेली जो है, अरे बबीता जी की बर्थडे में मैं ऐसा गरबा करूंगी, ऐसा गरबा करूंगी। अरे नहीं नहीं रेवन, गरबा नहीं, यहाँ पर हम लोग को वेस्टर्न डांस करना है। वेस्टर्न? लेफ्ट टर्न सुना, राइट टर्न सुना, लेकिन ये वैसे टर्न कैसा टर्न होता है? अरे दयाबेन, वैसे टर्न नहीं, वेस्टर्न डांस मतलब इंग्लिश डांस, अंग्रेजी डांस, वो पिक्चर्स में करते ना ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते। अच्छा अंग्रेजी। अरे दया भाभी, सिर्फ वेस्टर्न डांस नहीं करना है, वेस्टर्न कपड़े भी पहनने हैं। लेकिन मैं तो साड़ी ही पहनती हूँ। हाँ दया भाभी, साड़ी तो मैं भी पहनती हूँ, लेकिन खास मौके पर वेस्टर्न कपड़े पहनने में कोई बुराई नहीं है। आपके पास एक भी नहीं है? नहीं है। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आज ही टप्पू के पापा के साथ जाके वेस्टर्न कपड़े लेकर आती हूँ। हाँ, अरे आज क्या, मैं अभी की अभी टप्पू के पापा के पास जाती हूँ। आप लोग ऐसा कीजिए ना, कीजिए कीजिए। सेठ जी देखो तो कौन आया है। जूली, आपको वेस्टर्न डांस सीखना है ना, ये आपको सिखाएंगी। सेठ जी, यहाँ से पांचवें बिल्डिंग में इनके डांस क्लासेस चल रहे हैं। पर जूली, ये है मेरे मालिक और आपके स्टूडेंट। हेलो। हेलो। मजे में, फाइन फाइन। देखो मुझे क्या वेस्टर्न डांस। मुझे नट्टू अंकल ने सब कुछ बता दिया है, आपको वेस्टर्न डांस सीखना है राइट? लेकिन टाइम थोड़ा कम है, क्या एक दो दिन में आप सिखा पाएंगे मुझे? एक दो दिन? मैं तो आपको चंद घंटों में सिखा दूंगी। बहुत होशियार छे। लेट्स स्टार्ट। यहाँ नहीं, यहाँ दुकान में। क्या दुकान चालू है ना, ग्राहक लोग आते जाते हैं, और पीछे गोडाउन है हमारा, उधर हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम। सेठ जी, डांस प्रैक्टिस के लिए विश यू गुड लक। थैंक यू। आइए टीचर। आओ आओ, ये देखो ये हमारा गोडाउन है, ये जगह चलेगा प्रैक्टिस के लिए? परफेक्ट परफेक्ट, अरे दौड़ेगा। तो बोलो किधर से क्या शुरुआत करें? देखिए जेठा, वैसे तो वेस्टर्न डांस के कई फॉर्म प्रकार होते हैं, जैसे कि जाज, जाइव, सालसा,
रॉक एंड रोल, हिप हॉप एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप कौन सा सीखना चाहते हैं? अभी आपको सच कहूं तो ये जो आपने और डांस का प्रकार का सब नाम बोला वो वेस्टर्न डांस का नाम और आपका नाम सब आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो मुझसे तो पूछना ही बेकार है। आप अपने हिसाब से कोई सस्ता सुंदर टिकाओ और मैं जल्दी सीख जाऊँ ऐसा कोई डांस सिखाइए। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि आप डांस अकेले करना चाहते हैं या किसी पार्टनर के साथ? नहीं ना, पार्टनर नहीं, वाइफ, वाइफ के साथ। ओके, तो मैं आज आपको पहले सालसा डांस के स्टेप सिखाती हूँ। सालसा डांस? बस सालसा तो सॉस आते हैं क्या? नहीं, और नाचो के साथ खाते हो? अरे जेठा जी, सालसा सॉस भी होता है और डांस भी। समझ गया, मतलब पहले वो नाचो के साथ सालसा खाओ और फिर सालसा खा के नाचो। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर जेठा जी। क्या बोलती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए शुरू करें। हाँ चल। तो आप मेरी जगह आ जाइए। मतलब मैं आपको सिखाऊं? अगेन एंड अगेन। चलिए इधर आ जाइए। अच्छा मैं उधर खड़ा रहूं? बहुत इंग्लिश बोलती है जी। हाँ नहीं चलो, ये हाथ ऊपर कीजिए। ऊपर नहीं, मुझे दीजिए। अच्छा हाँ, और ये हाथ इधर रखिए। क्या हुआ जेठा जी, शर्माइए मत, डांस में हाथ को पकड़ना पड़ेगा। नहीं, हाथ पकड़ने में वादा नहीं, वो हाथ उधर जा। अरे जेठा जी शर्माइए मत, मैं एक डांस टीचर हूँ, कम ऑन। चलिए आंखों में आंखें डालिए, कंफर्टेबल? हाँ। अब मैं पैर आगे करूंगी, आप पैर पीछे। अच्छा। वन, आपका पैर पीछे जाएगा। अच्छा। और जेठा जी वो पैर पीछे नहीं करना है और इतना पीछे नहीं करना है। तो ये पैर पीछे कीजिए। ये अच्छा, ये पैर है जी। एक मिनट, अब क्या कर? ये तो बहुत, ये तो है कुछ अच्छा बताओ, ये तो बहुत कसरत है कि डांस है ये। आप अपनी पोजीशन पे आइए। हाँ। स्ट्रेट खड़े रहिए। हाँ। अब ध्यान से सुनिए, जब मैं अपना ये वाला लेग आगे करूंगी तब आपका ये वाला पैर पीछे जाएगा। अच्छा, उसके सामने का। एक्सीलेंट। अच्छा अच्छा, बराबर, अभी अभी समझ में है, बराबर आएगा आएगा आएगा। हाँ चलो। स्माइल, आंखों में आंखें डालिए, अब करिए। वन टू थ्री गो। वन, गुड, टू, गुड, वन, वन, टू, वन, टू, वन, टू। ये वन टू, वन टू, ये तो अच्छा है एकदम। वो स्कूल में कसरत कराते थे ऐसे, वन टू, स्कूल में भी कसरत कराते थे ना ऐसे। कसरत नहीं जेठा जी, डांस, डांस करना है। हाँ ना, वही थोड़ा उसका जैसा है ना, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ चलिए, ये सालसा है। हुँ. है ना, अपनी बॉडी को स्टिफ मत रखिए। स्टिफ मतलब? स्टिफ मतलब कड़क मत रखिए, ढीला छोड़िए। ढीला छोड़ दो? अच्छा नहीं, ऐसे ढीला नहीं, ऐसे तो आपको तन के खड़े रहना है, बॉडी को मूव दीजिए। ठीक है। हाँ। देखते हैं, कोशिश करते हैं। ऊपर देखिए। हाँ। स्माइल again, start. One, two, three, go. One, one, two, two, one, smile, smile, one, one, two, two. नहीं, शेठ जी, आपका one, two बराबर हो रहा है, लेकिन 44 बराबर नहीं हो रहा है। 44? आपकी कमर हिलते नहीं बराबर। एक मिनट, एक मिनट, देखिए, आप मुझे देखिए, आप हाथ लाइए, देखिए, one, इलिए, two, इलिए, थ्री, इलिए। नट्टू काका, डांस किसको सीखने का है, मुझे या आपको? दुकान छोड़ के इधर आ गए आप? दुकान में मगन बाहर से कलेक्शन करके आ गया ना। नट्टू काका जाइए, धंधे में ध्यान दीजिए। समझ गया। झूठ बोल रहे हैं, 44 ने 38 है। इट्स ओके, इट्स ओके। लेकिन जेठा जी वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपकी कमर बिल्कुल सही नहीं चल रही। ओके ओके, टेंशन मत लीजिए, प्रैक्टिस करके आएगा, मैं हूँ ना। अरे पहले पैर का मैं बराबर सीख लो, बाद में कमर भी आ जाएगी, है ना? अरे सीखने में थोड़ा टाइम तो लगा, अभी आपने सीखा होगा तो आपको भी ऐसा दो मिनट में थोड़ी आ गया होगा। हाँ, आपने प्रैक्टिस किया, बाद में आया, अभी दो मिनट हुआ ना, कमर नहीं हिल रहे हो नहीं। ठीक है ठीक है, लेकिन अब आप अपनी 44 पे, आई मीन कमर पे ध्यान दीजिएगा। ओके स्टार्ट करें।
अबे कमर का भी ध्यान देना का है। बिल्कुल ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। स्टार्ट। हाँ। वन टू थ्री गो। वन कमर, टू कमर, थ्री फोर स्माइल, कहाँ गया सूट? अरे देवा कहाँ गया? ये माधवी भी ना कितनी बार कहा है कि मेरे कुर्ते के साथ अपनी साड़ियां मत रखा करो, कभी नहीं सुधरेगी। ओहो ये रहा सूट। शादी के बाद पहली बार सूट पहनूंगा, मुझे होगा कि नहीं? अभी भी फिट हूं। माधवी को दिखाता हूं। ये देखो कैसा है। कहां से लाया ये? कहां से मतलब कपड़ में से लेके आया है। अरे तुमने तो कहा था कि बबीता की बर्थडे पार्टी में वेस्टर्न ड्रेस कोड है, तो ये कैसा है? ये पहनेंगे आप? यही तुम्हारे पिताजी ने मुझे शादी में दिया था बाबा, लेकिन ये एक सदी पुराना है। हाँ। एक सदी पुराना नहीं सुनू, एक शादी पुराना है। अरे इसी को तो पहनकर मैंने तुम्हारे आई के साथ शादी की थी। क्यों आई? क्यों माधवी? देखिए मैं क्या कहती हूँ, ये बहुत पुराना हो चुका है, नया खरीदते हैं ना हम लोग। क्या बेड़ियस का है? एक दिन के लिए फिजूल का खर्चा है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, एक दिन के लिए मैं कोई फालतू का खर्चा करने वाला नहीं हूँ, समझी ना? मैं अभी इसको इस्त्री करके रखता हूँ। अच्छा एक मिनट, वैसे तुम कौन सा वेस्टर्न ड्रेस पहनने वाली हो एक दिन के लिए? हाँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कपाट में मेरी एक ड्रेस पड़ी हुई है, वही पहनने वाली हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। धन्यवाद भाई तुझे बाबा। मेरी मानिए भाई साहब, इससे अच्छा ये पीस है, भाव में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 2000 का फर्क है। अरे सेठानी जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र नटू काका, टप्पू के पापा कहाँ गया? गोडाउन में है। अच्छा मुझे कुछ ज्यादा करने का नहीं है, ऐसा बीच में खाली खड़ा रहने का, आपको ऐसा फुदड़ी फुदड़ी भर के इधर उधर इधर उधर जाने का। बराबर जेठा जी, खड़े रहना है लेकिन कॉन्फिडेंटली, आई मीन मक्कमता से। अरे मक्कमता से आप बोलो, उधर मैं खड़ा रह सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। थ्री फोर वन टू। अरे अरे पकड़ी पकड़ी। अच्छा पकड़ना का है, लास्ट में पकड़ना है। नहीं नहीं नहीं, ये तो दया भाभी की अदा है, लेकिन आज मुझे इच्छा हो रही है कि मैं जेठालाल के लिए ये कह दूं। बेचारा जेठालाल, जिंदगी में सुख आता ही नहीं है, थोड़ी देर के लिए आता है और ऐसे उड़ जाता है जैसे कपूर उड़ गया हो। जेठालाल बबीता जी के बर्थडे का निमंत्रण आए बिना तैयारियों में जुट गए, लेकिन दया भाभी ने डांसर के साथ देख लिया, अब क्या होगा? आपके लिए एक चीज तय है, हंसी, इतनी सारी हंसी कि आपसे संभाले नहीं संभलेगी। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।